अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज हम बनाएंगे चिकन अफगानी। देखिए, ये हाफ के जी जो चिकन है हमारे पास में, इनके अंदर ये सब मसाले में मिला के रख दूँगी आधा घंटा के लिए। ये इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, काजू जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उनको सबको मैंने मिक्सर में डाल के पीस दिया है। और ये हमारे पास में जो ये चाट मसाला और वाइट पेपर पाउडर और नमक है, इनको सबको मैं मिला दूंगी। ये दही भी इसी में जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल देंगे। ये कसूरी मेथी भी इसी में डाल देंगे। और सबको मैं बहुत अच्छे से मिला डालूंगी। दो सौ एम एल क्रीम है, ये क्रीम में मैं हाफ क्रीम इसमें डाल दूंगी, 100 ml जितना डाल दूंगी इसके अंदर। आप इसमें दूध की मलाई भी डाल सकते हैं या फिर जो भी आपके पास में क्रीम हो वो मिला सकते हैं। और ये सब पूरा मिला के मैं एक आधे घंटे के लिए एक साइड में रख दूंगी। अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं लगा के, मैं सिर्फ हाफ एन आवर के लिए लगाऊँगी। ये इसके अंदर मैं हाफ नींबू भी निचोड़ दूंगी। सब नींबू और मसाले जितने भी थे वो सब मिला के बहुत अच्छे से रख दिया है। अब मैं फ्लेम चालू करूँगी और फिर उसमें पैन में मैं थोड़ा मस्का डालूँगी। मस्का डालने के लिए बाद में ये मैंने चिकन जो लगा के रख दिए थे उनको मैं एक एक करके इस पैन में डालूँगी। अब मैंने फ्लेम को फास्ट कर दिया है। फास्ट करने के बाद में मैं इसको थोड़ा चलाऊंगी अच्छे से। इसका पानी खूब अच्छे से जो है मसाला सूख जाना चाहिए। ये एकदम ड्राई कर दूंगी मैं इसको। एक 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ग्रेवी को एकदम ऑब्जर्व कर लूंगी। इसको 5 मिनट के लिए लीड लगा के रख दूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से फ्राई हो गई है चिकन अच्छे से। इसको मैंने खूब अच्छे से ग्रिल मार्क कर लिया है उसमें। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी चिकन को। ये देखिए कैसे अच्छे से बन गए हैं एकदम, उनके ग्रिल मार्क्स हो गए हैं। अब मैं इसी पैन में इसकी ग्रेवी आगे की तैयार कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद में मैं ये जो प्याज पीसी थी, एक प्याज, उसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए प्याज पक रहा है, इसको मैं थोड़ा पका लूँगी क्योंकि प्याज पकाना ज़रूरी होता है। कच्चा प्याज डालेंगे तो वो ग्रेवी में टेस्ट नहीं आता उस तरीके से। और आप हमें ये आपको डिश अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। ये देखिए प्याज पक गया है, थोड़ा लाल हो गया है, इसमें से वो पानी उसका स्मेल निकल गई है, कच्चापन निकल गया। अब ये जो बाकी की ग्रेवी इसमें से बची हुई थी ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। गैस को थोड़ा स्लो करूंगी, फिर इसमें ही डाल दूंगी सब ये। ये देखिए, ये जितना भी इसमें मुर्गी में चिकन में जितना भी मसाला लगा हुआ रखा था उसको सब मैंने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद में जो बाकी चिकन मैंने ये पहले से थोड़ा पका के आपके सामने रखी थी वो उसी में ही मैं डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी। ये चिकन अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है और इसमें जो थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद में एक 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे लीड लगा के रख देंगे जिसमें चिकन है ना वो अच्छे से पक जाए।
ये देखिए मैंने इसको 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और ये काफ़ी, ये देखिए पक गया ये अच्छे से। 20 मिनट तक के स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ना, इसमें ना सब जो भी लहसुन की स्मेल है, मसालों की, वो सब चली जाएगी और बहुत अच्छे से पक गया है, रेडी हो गया है ये। अब इसके अंदर मैं कोयल से स्मोक कर दूँगी। मैंने कोयल रख दिया है इसको स्मोक करने के लिए। इसमें अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें लीड लगा दूँगी अच्छे से और 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। रेडी है ये।